So hello guys, this is Movin. I'm back with the another session, that is advantages of the public warehouse. So warehouse ke, I mean public warehouse ke baare mein humne already discuss kiya tha last class mein. Wo tha ki it is run by more than one user aur economical benefit bhi hoti hai, lekin labor disruption nahi hota. Licensing authority mein se license chahiye. Aur humne ek aur point wahan padha tha, wo kya hai, wo tha ki warehouse receipt hona chahiye. ओके तो ये था एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउस के बारे में कहते हैं. तो सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये 4 times पूछा गया था, लेकिन अल्टरनेटिव्स ऑफ वेयर हाउसिंग सिर्फ 2 ही टाइम पूछा गया था. सो एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि advantages of the public warehouse are storage facilities can be availed at the desired location. अगर आप warehouse का मतलब ये क्या है, गोडाउन क्यों कर रखते हैं, हमें transportation सब easy हो. so storage facility is available at desired location, यानी कि अगर जो storage facility की सुविधा चाहिए तो वो किसी भी जगह पर हो सकती है. और the goods और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द गुड्स कैन बी डिस्पैच टू द वेयरहाउस विद द वेयरहाउस मैन. अगर आपको गुड्स को वेयरहाउस में रखना चाहिए, यानी कि डिलीवर करना चाहिए गुड्स को, तब क्या किसकी हेल्प आप ले सकते हैं, वेयरहाउस मैन. वेयरहाउस मैन कौन होता है, जिसके पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यानी कि वो वेयरहाउस मैन वो एक वो आदमी है जो बिजनेस को चलाता है, वेयरहाउस को चलाता है. और नेक्स्ट ये है कि द गुड्स कैन बी डिलीवर्ड और डिस्पैच टू द नॉमिनीज और अलॉटीज ऑफ द डिपॉजिटर. यानी कि समझिए आप वेयरहाउस में जाकर सभी आपकी चीज़ को स्टोर कर गया. स्टोर करने के बाद अगर आपको डिलीवर, यानी कि अगर आपको सामान चाहिए तो इधर आप आना चाहिए. कौन, यानी कि जो आदमी जिसने डिपॉजिट किया है वही आदमी आना चाहिए, और रस कौन आ सकता है, ये जो जिसने डिपॉजिट किया है वो नॉमिनी भी दे सकते हैं, यानी कि ये आदमी आएगा, ये आदमी आएगा. सो द गुड्स कैन बी डिलीवर्ड ओनली टू द नॉमिनीज ऑफ द अलॉटीज ऑफ द डिपॉजिटर. ओके और द नेक्स्ट थिंग है, एंटायर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाई होम वेयरहाउस मैन वो जो आदमी है जिसके पास लाइसेंस है वेयरहाउस चलाने के. सो डेफिनेटली ये जायज की बात है, क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कौन चलाएगा, वेयरहाउस मैन. द गुड्स आर हैंडल्ड प्रॉपरली एंड प्रिसर्व साइंटिफिकली बाई द ट्रेन टेक्निकल पर्सनल. मतलब क्या है कि जब भी अब वेयरहाउस में सिर्फ एक चीज़ या 2 चीज़ नहीं रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ होगा, यानी कि कंटेनराइज्ड होगा, या कभी एयर कंडीशन होगा, कभी नॉन एयर कंडीशन होगा, कभी कभी ड्रग्स आता है तो उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, तब हर कोई आदमी वो नहीं देख सकता है. उसके लिए ट्रेन पर्सनल का ज़रूरी है. ट्रेन पर्सनल मतलब जो आदमी जो वो पर्टिकुलर चीज़ देखने के लिए उसकी काबिलियत हो, यानी कि ही इज़ अ ट्रेन प्रोफेशनल. सो ट्रेंड आदमी ही ये वेयर हाउसिंग का सभी चीज़ देखता है. द गुड्स आर हैंडल विद प्रॉपर टेक्निकल केयर. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता ये है कि द गुड्स कैन ऑल्सो भी इंश्योर्ड अगेंस्ट. सोचिए कि आपने वेयरहाउस में जाकर अपने सामान को सब स्टोर करने के बाद, आप या 2 महीने के बाद वेयरहाउस रिसिप्ट में जाकर रिसिप्ट सबमिट करते हुए आपके सामान अगर डैमेज हुआ हो तो क्या कर सकते हैं, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा. और वरना वो जब वो चीज़ कोई आदमी चोरी करता है तो उसके लिए भी आपकी इंश्योरेंस भी मिल सकता है. यू गेट द मनी फॉर द थिंग विच हैव बीन लॉस्ट. जो नुकसान हुआ है उसके लिए पैसा मिल सकता है. और नेक्स्ट है कि द गुड्स कैन बी केप्ट इन द पब्लिक वेयरहाउस टिल द प्राइस इज फाउंड रेम्यूनरेटिंग इनफ फॉर द डिस्पोजल ऑफ द डिस्ट्रेस्ड सेल कैन बी अवॉइडेड. वेयरहाउस में आप एक चीज़ रखते हैं और आप इस कंडीशन, यानी कि आपके माइंडसेट में ये है कि अगर इस सीज़न ख़त्म होने के बाद ये जब ये प्रोडक्ट, यानी कि आम की केस ले लो आप, आम अप्रैल में सबसे ज़्यादा होता है, इज़न्ट इट, सबसे ज़्यादा होता है आम अप्रैल में. तब अप्रैल में आप क्या करेंगे, वेयरहाउस में जाकर उसको फिल करेंगे, कहाँ गोडाउन में फिल करेंगे. तब अप्रैल मई जून आप नहीं उसको बेचना चाहते हैं, इंस्टेंट आप कब उसको बेचना चाहते हैं, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर. तब क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट को वैल्यू भी ज़्यादा होगी और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा. तो वेयरहाउस मतलब ऐसा नहीं कि जब वेयरहाउस मैन जब चाहता है उसको बाहर निकाल सकता है, नहीं. वेयरहाउस में ये फैसिलिटी भी है, अगर आप रेम्यूनरेशन देते हैं, यानी कि आप पैसा देते हैं, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, तब तक वो गुड्स अपने पास ही रखेंगे. ओनली व्हेन द टाइम यू नीड, ओके, जब आपको चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा डिमांड है तब भी वो डिस्पोजल करेंगे.
ओके और नेक्स्ट होता है एथ पॉइंट, एडवांस कैन बी ऑप्टेंड अगेंस्ट द प्रेज ऑफ द वेयर हाउस रिसिप्ट फ्रॉम बैंक्स. ओके अगर आप वेयर हाउस में जब आप सामान रखते हैं तो आप एडवांस देते हैं राइट. अगर आपको वो रिटर्न में चाहिए तो आप क्या करना चाहिए, आपको यू हैव टू ऑप्टेंड द प्रेज ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट फ्रॉम बैंक. अगर आपको वो एडवांस भी चाहिए तो आपको वेयर हाउस रिसिप्ट करना चाहिए. कहाँ से, कहाँ से आपको लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए. जब आप वो सबमिट करोगे तो ओके अब एडवांस मिल सकता है. अनसर्टनटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट ड्यू टू सप्लाई अवॉइडेड. यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपको रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो तो ये वेयर हाउसिंग सबसे बड़ी सुविधा प्रोवाइड करती है. वो इट प्रोवाइड यू दी विद दी रॉ मटेरियल्स, यानी कि अनअवेलेबिलिटी शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स की कोई चिंता ही नहीं है व्हेन यू हैव द पब्लिक वेयर हाउस विथ यू. पब्लिक वेयर हाउस हेल्प्स इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स लाइक फीडिंग फर्टिलाइजर्स एंड कंज्यूमर्स, देयरफॉर हेल्प्स इन द मार्केटिंग एफर्ट. वो तो सबसे बेसिक चीज़ है, गोडाउन में आप सामान भरते हैं, इट कैन बी ईदर फूड, फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल्स और वॉट एवर इट है. सो ये हेल्प करती है और एक्सेट्रा दे हेल्प्स इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो ये सब चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वीनियंटली आपकी सुविधा के लिए पब्लिक वेयर हाउस हेल्प कर सकता है. पब्लिक वेयर हाउस कैन ऑल्सो यूज फॉर ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट. डेफिनेटली हमने कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस यानी कि थर्ड टाइप ऑफ वेयर हाउस में डिस्कस किया था. इट हेल्प्स इन द पैकिंग असेंबलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़. यानी कि पब्लिक वेयर हाउस भी आपको हेल्प कर सकती है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स इफ द अरेंजमेंट्स आर ऑन द डेडिकेटेड और लॉन्ग टर्म यूसेज बेसिस. ये थर्ड टर्म का भी हेल्प ही है, यानी कि ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और हेल्प डेडिकेटेड में. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप ये ज़रा सी डीपली अगर आप सोचते हैं तो ये पॉइंट ईजी होगा. स्टोरेज फैसिलिटीज़ किसके लिए होता है, वो पर्टिकुलर डिजायर लोकेशन में ही आता है. और गुड्स कैन बी डिस्पैच्ड, ओके गुड्स कैन बी डिलीवर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ द वेयर हाउस मैन. डेफिनेटली अगर आपको गुड्स डिलीवर करना है तो या तो उसका रखा हुआ आदमी डिपॉजिट ही आना चाहिए या तो नॉमिनी ऑफ डिपॉजिटर. और एवरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करता है, वेयर हाउस मैन ही कंट्रोल करता है. गुड्स का हैंडलिंग वो डेफिनेटली इज टेकन बाय ऑफ द पर्सनल टेक्निकल पर्सनल, इट्स टेकन केयर ऑफ बाय. अगर उसमें सामान को कुछ होता है तो क्या गिरेगा, वो इंश्योरेंस भी देता है. अगर गुड्स कैन बी कैप्ट इनफ फॉर द पब्लिक हाउस इफ द मार्केट प्राइसेस. और जब भी आपको वो चीज़ चाहिए तभी वो रेम्यूनरेशन देंगे तो वो रेडीली डिस्पैच करेंगे. और गुड्स आर इनफ, एडवांस कैन बी गिवन ओनली इफ यू गिव द वेयर हाउस रिसिप्ट फ्रॉम बैंक. एंड फाइनली क्या होता है, पब्लिक वेयर हाउस इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन. सो ये क्वेश्चन ज़रा से इंपॉर्टेंट है और फोर टाइम्स आया है. सो डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट गाइस.